दोस्तों आपका फिर से एक बार स्वागत है 30 मिनट GS में। हम आपको पढ़ा रहे थे काउंटिंग ऑफ फिगर्स, जिसकी 3 क्लासें पूरी हो चुकी हैं। ये 4th क्लास है और इसमें हम समझा रहे थे 3rd क्लास में ट्रायंगल। तो ट्रायंगल के आगे इसी में कुछ ट्रायंगल के अभी फिगर बाकी रह गए हैं। ट्रायंगल के बाद आएंगे इसमें स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन के बाद सर्किल, सर्किल के बाद क्यूब और क्यूबॉइड। बस ये 3 टॉपिक और रह गए हैं, इसको आज इसी वीडियो में ख़त्म कर देते हैं। चलो इसमें देखते हैं पहले ट्रायंगल का एक और ये फिगर लेते हैं हम ट्रायंगल की। ये फिगर है, इसमें काउंट करते हैं कि कितने ट्रायंगल काउंट कितने बन रहे हैं। तो यहाँ पे हमने बताया था कि बेसिक फिगर में ट्रायंगल कितने बनते थे, 1 2, यानी 3 ट्रायंगल बन रहे हैं यहाँ से। ये कि बिग ट्रायंगल, बेसिक फिगर से 3 ट्रायंगल बन रहे हैं। तो यहाँ पे ज़रा देखते हैं, पहले यहाँ से ही देखते हैं, ये वाला जो ट्रायंगल है यहाँ से 1 और 2, तो यहाँ से बन जाएंगे 3 ट्रायंगल, 1 2 यहाँ से बन जाएंगे 3 ट्रायंगल और 1 2 यहाँ से बन जाएंगे 3 ट्रायंगल। तो 3 + 3 + 3 ये ट्रायंगल बन गए। और जब इन तीनों बेसिक ट्रायंगल को हमने जोड़ा तो एक बिग ट्रायंगल और नज़र आया, तो ये एक बिग ट्रायंगल है। प्लस अभी इनको जोड़ने के बाद जब ये वाला बेसिक फिगर हमने इस वाले बेसिक फिगर से ऐड किया तो 2 और ट्रायंगल बन रहे थे। ये देखो, एक ये वाला और एक ये वाला, तो 2 ट्रायंगल ये बन गए। इसी प्रकार इस वाले बेस पर 2 ट्रायंगल बनेंगे, ये और ये 2 ट्रायंगल यहाँ बन गए। इस वाले बेस पर भी एक ये और एक ये 2 ट्रायंगल यहाँ बन गए। तो टोटल ट्रायंगल कितने हो जाएंगे, 3 + 3 + 3 9 1 10 + 16 ट्रायंगल बन गए। तो हम इसको एक क्या करेंगे, इसको हम एक बेसिक फिगर की तरह ही ट्रीट करेंगे कि जब हम ये इस टाइप की अगर फिगर आती है तो इसमें 16 ट्रायंगल ही बनते हैं, ताकि ये फिगर अभी आगे किसी डायग्राम में ऐड होके आ जाए तो हम तुरंत काउंट कर लें कि इसमें 16 ट्रायंगल बन रहे थे। तो जैसे एक और डायग्राम लेते हैं, जैसे ये फिगर है, इसमें हमें ट्रायंगल काउंट करने हैं। तो एक ये बेसिक फिगर है, एक ये बेसिक फिगर, दोनों बेसिक फिगर को हमने इस बार मिला दिया तो कितने ट्रायंगल, इस वाली बेसिक फिगर से कितने ट्रायंगल बनते थे, 1 2 3 4, यानी 8 बनते थे। और इस वाले बेसिक फिगर से कितने बनते थे, 16 ये। ज़रा ये देखो, इन दोनों जब ट्रायंगल को मिला रहे हैं, इन दोनों बेसिक फिगर को मिला रहे हैं, तो क्या कोई नया ट्रायंगल बन रहा है, ये तो रेक्टेंगल बन रहा है, नहीं कोई नया ट्रायंगल नहीं बन रहा है। यहाँ से ज़रा देखते हैं, ये भी हमारा रेक्टेंगल ही बन रहा है, तो कोई नया ट्रायंगल नहीं बन रहा है, यानी हमारे टोटल ट्रायंगल कितने हो जाएंगे, 16 + 8 = 24 ट्रायंगल इस वाले फिगर से बने गए। इसके बाद और फिगर लेते हैं, जैसे ये फिगर ले लिया, इसमें हमको ट्रायंगल काउंट करने हैं। तो इसमें 2 बेसिक फिगर यहाँ पे ऐड किए गए, एक ये वाला बेसिक फिगर और एक ये बेसिक फिगर, एक ये तो सेम जैसे 1 2, इसमें भी 1 2, तो यहाँ से 3 ट्रायंगल बन जाएंगे, यहाँ से 3 ट्रायंगल बन जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 यहाँ से बन जाएंगे 12 ट्रायंगल। तो पहले बेसिक बेसिक फिगर का देख लेते हैं, 3 + 12 + 3। अब जरा देखते हैं इनको जब मिलाते हैं तब कितने नए ट्रायंगल बनते हैं। तो जब इस बेसिक फिगर को इस बेसिक फिगर से मिलाया तो एक नया ट्रायंगल नज़र आ रहा है, ये वाला। ये वाला
एक ये ट्रायंगल बना और एक नीचे ट्रायंगल ही बनेगा। तो दो ट्रायंगल इसको ऐड करने से आ गए, दो ट्रायंगल इसको ऐड करने से आएंगे, सेम ये ऊपर वाला और एक नीचे वाला, दो ट्रायंगल यहाँ से आ गए। और कोई देखते हैं ट्रायंगल बन रहा है क्या, इसको इससे जब मिला रहे हैं तो यही दो ट्रायंगल बन रहे हैं, इसको भी मिलाने से दो बन रहे हैं, बस यही बन रहे हैं ट्रायंगल। तो 12 3 15 15 3 18 18 22, तो टोटल ट्रायंगल यहाँ पे बन रहे हैं 22 22, इसको इसको मिलाने से ये बना है और इसको मिलाने से 3 3, बस 22 ट्रायंगल बन रहे हैं। ये तो हो गया तुम्हारा इस टाइप का। जरा इससे एक और चलिए एक और फिगर लेते हैं फिर हम। अब इसमें काउंट करेंगे कि कितने टोटल ट्रायंगल बनेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पहले हम देखेंगे बेसिक फिगर, ये एक बेसिक फिगर है, इसको यहाँ देखो, ये वाला 1 और 2 यहाँ से बन जाएंगे 3 ट्रायंगल 3, और ये बन जाएगा 4, और ये बड़ा वाला बन जाएगा ये 5, और ये वाला बनेगा 6, ये वाला इधर बनेगा 7, और बिग ट्रायंगल बनेगा ये 8। तो इस तरह हम इस फिगर में टोटल ट्रायंगल की बात करें, टोटल ट्रायंगल बनेंगे 8। अब लेकिन ये हर बार ऐसे काउंट करेंगे तो बहुत प्रॉब्लम होगी, कभी कोई ट्रायंगल छूट जाए। क्या करते हैं, इसका एक रूल बनाते हैं, इसकी एक ट्रिक है। यहाँ पे ये देखेंगे क्रॉस लाइनें कितनी हैं। अगर यहाँ पे क्रॉस लाइनें दो हैं, जैसे ये एक ये क्रॉस लाइन है और एक ये क्रॉस लाइन, दो क्रॉस लाइन है, तो यहाँ पर अगर टोटल ट्रायंगल निकालने हैं तो क्रॉस लाइन का क्यूब कर देंगे, कितनी भी क्रॉस लाइन हो उनका क्यूब कर देंगे। यहाँ दो क्रॉस लाइन है, 2 का क्यूब यानी 8। तो इस तरह हमें इस फिगर से टोटल ट्रायंगल नज़र आ जाएंगे। इसके बाद ट्रायंगल के तो काफ़ी हमने देख लिए, और देखते हैं कोई फिगर, देखते हैं इसमें और कौन सा फिगर रह गया है। हाँ, एक टाइप और नज़र आ रहा है, इनको भी देख लेते हैं। जैसे मान लो ये हमारा आ जाए, इस तरह का अगर कोई फिगर बनाए तो टोटल ट्रायंगल कितने होंगे। तो इसमें टोटल ट्रायंगल कितने होंगे, पहले तो हम ये जो इंडिविजुअल ट्रायंगल है उनको काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 6 तो ये हो गए, और एक ये हमारे बिग ट्रायंगल
एक ये वाला और एक ये वाला, तो 6 और प्लस 2 यानी इसमें कितने ट्रायंगल आ रहे, 8 ट्रायंगल आ रहा है। इसी तरह एक और डायग्राम है, इसको भी देखते हैं। इस तरह अगर आ जाता है जो हम स्टार बनाते हैं, इस वाले स्टार में कितने ट्रायंगल हैं, पहले इंडिविजुअल देख लेंगे, 1 2 3 4 5 ही हो गए, 5 तो ट्रायंगल ही हो गए। प्लस अभी और ये इसको देखना, ये वाला 1 एक ये वाला हो गया, इसी प्रकार एक ये वाला बन जाएगा, 2 एक इस बेस पे होगा, एक ये वाला, 3 एक इस पे बनेगा, 4 और ये देख लेना है जितनी साइड है उस पे बेस पे। देखो एक बार इसको फिर से बनाते हैं यहाँ पे, जैसे ये फिगर है, 5 तो ये हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 5 ये हो गए। जितनी लाइनें हर एक बेस पे एक ट्रायंगल बन रहा है, जब इस लाइन पे बनाएंगे तो एक ये बन रहा है, तो पहला ये हो गया। और जब ये वाली लाइन हो चुकी है, इसके बाद इस वाली लाइन को देखते हैं, तो इस पे भी एक ट्रायंगल बन जाएगा, सेकेंड, फिर इस पे बनाएंगे, थर्ड, इस पे बनाएंगे, फोर्थ, और ये लास्ट लाइन फिफ्थ। तो हर एक लाइन पे 5 ट्रायंगल और बन रहे हैं, तो टोटल ट्रायंगल कितने हो जाएंगे, 10 ट्रायंगल हो जाएंगे। चलो एक और डायग्राम लेते हैं, इसमें काउंट करते हैं कि कितने हमारे पास ट्रायंगल हैं। तो ऊपर ये बेसिक फिगर दिख रहा है, 1 2 3, इसमें कितने हो गए, 6, 1 2 3, इसमें हो गए 6, 1 2 3, 6, 1 2 3, 6, 1 2 3, 6, 1 2 3, 6। तो इस तरह हमें 6 6 तो काउंट कर लिए, लेकिन इसमें कई सारे ट्रायंगल जो है हमने डबल बार काउंट कर लिए। कौन कौन से डबल बार काउंट किए जरा देखो, जो ये सेडिट कर रहे हैं, ये जो ट्रायंगल है इनको हमने 2 बार काउंट कर लिया है। तो 6 ट्रायंगल को हमने डबल बार काउंट किया है, और 6 हमारे पहले टोटल कितने हो गए थे, 6 6 जा 36, और जो डबल बार काउंट किए उनको माइनस कर देंगे, ये हो गए, और प्लस ये जो बिग ट्रायंगल है 1 और ये 2, तो प्लस 2, तो 36 में 6 जाएगा 30 और प्लस 2, यानी यहाँ पे टोटल 32 ट्रायंगल है। तो ट्रायंगल हमारे मोस्टली हो गए हैं, और भी इससे ज़्यादा कई फिगर हैं। फिगर में क्या है, जितना इसमें हम फिगर को मिक्स करते जाएंगे उतना ही हार्ड होता जाएगा, और ऐसे इसी तरह काउंट कर लेंगे। बस हम क्या करना है कि बेसिक फिगर को हम देखेंगे, बेसिक फिगर अगर हमें नज़र आ जाता है, बेसिक फिगर को काउंट कर लेंगे, उसके बाद बेसिक फिगर को मिलाने पर जो ट्रायंगल बनेगा उसको काउंट करेंगे। इस तरह हमारे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। इसके बाद है स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन के भी डायग्राम देखते हैं। स्ट्रेट लाइन काउंट करना बहुत आसान है, अगर हमें किसी फिगर में स्ट्रेट लाइन काउंट करनी है, जैसे ये फिगर है, इसमें स्ट्रेट लाइन काउंट करनी है, तो सबसे पहले काउंट कर लेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी है, वर्टिकल लाइन कितनी है, और डायगोनल लाइन कितनी है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन जरा गिनते हैं, 1 2 3, 3 हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल 1 2, 2 वर्टिकल लाइन हो गई, और इसके बाद डायगोनल्स कितने हैं, 1 और 2, तो टोटल स्ट्रेट लाइन कितनी हो जाएंगी, 3 2 5 2 7, इस फिगर में टोटल स्ट्रेट लाइन होंगी 7। इसके बाद एक और फिगर लेते हैं, इस वाले फिगर में टोटल हमें लाइनें पूछी जा रही हैं कितनी स्ट्रेट लाइन है। तो टोटल स्ट्रेट लाइन
सबसे पहले वही करेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन गिन लेंगे, उसके बाद वर्टिकल लाइन गिन लेंगे और डायगोनल लाइन गिन लेंगे। तो हॉरिजॉन्टल कितनी है, 1, 2, 3। वर्टिकल कितनी है, 1, 2। डायगोनल कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। 6 डायगोनल है, तो टोटल लाइन कितनी हो जाएंगी, टोटल स्ट्रेट लाइन 3, 2, 5, 6, 11। इस तरह हमारी लाइनें काउंट हो जाएंगी। अगर मान लो कोई एक और फिगर देखते हैं, जैसे ये फिगर है, इस फिगर में तुम्हें स्ट्रेट लाइन काउंट करनी है। तो स्ट्रेट लाइन काउंट करेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन काउंट करते हैं, वर्टिकल लाइन और डायगोनल लाइन। तो हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी हो रही, 1, 2, 3। वर्टिकल लाइन कोई नहीं है, 0। और डायगोनल कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। 6 डायगोनल, टोटल स्ट्रेट लाइन कितनी हो गई, 3 + 6 यानी 9। टोटल स्ट्रेट लाइन 9 हो गई। लेकिन अब ये स्ट्रेट लाइन तो ऐसे ही सभी में काउंट हो जाएंगे, तो मैं हर एक में हॉरिजॉन्टल लाइन काउंट करनी है, वर्टिकल लाइन काउंट करनी है और डायगोनल, टोटल उनको ऐड करके टोटल लाइन स्ट्रेट लाइन पता चल जाएंगे। अगर हमें इसमें ट्रायंगल पूछा जाए कि अब इसमें ट्रायंगल बताओ, तो ट्रायंगल बताने के लिए क्या करते हैं, हमें हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ कितनी दे रखी है, 3। अगर हमारी ऑड है, हॉरिजॉन्टल लाइन जो है ऑड है, ऑड नंबर है, तो इसका फार्मूला होता है n n + 2 2n + 1/8। यहाँ से हमें टोटल ट्रायंगल पता चल जाएंगे कि इस फिगर में टोटल ट्रायंगल कितने हैं। जब अगर हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी कैसी हो, ऑड हो, चलो यहाँ पता लगाते हैं कि कितने इसमें ट्रायंगल बन रहे हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन यानी 3 3 + 2 2 × 3 + 1/8। 3 × 3 = 5 × 2 = 6 + 1 = 7/8। इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 5 = 15 15 7 = 15 7 = 105/8। ऑड नंबर में क्या करते हैं, इस फार्मूले में माइनस वन करते हैं, जो ये बाकी का फार्मूला ये इवन नंबर का था, अगर माइनस वन कर देते हैं तो ऑड नंबर, यहाँ से माइनस वन, तो 105 - 8/8। चलो एक और फिगर लेते हैं इसमें। इसमें काउंट करना है कितनी स्ट्रेट लाइन है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे काउंट कर लेंगे, इसके बाद वर्टिकल लाइन काउंट कर लेंगे और डायगोनल लाइन काउंट कर लेंगे। तो हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी है, 1, 2, 3। वर्टिकल लाइन कितनी है, एक भी नहीं, 0।
डायगोनल लाइन कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5, 6 डायगोनल लाइन है 6। तो टोटल स्ट्रेट लाइन कितनी होगी? 3 प्लस 6 यानी 9। टोटल स्ट्रेट लाइन हो गई हमारे पास 9। अगर इसी फिगर में हमें ट्रायंगल काउंट करने को दे दिया जाए फिर क्या करेंगे? तो ट्रायंगल के लिए एक फार्मूला है, अगर हमारा नंबर ऑड है, हॉरिजॉन्टल लाइन अगर हमारी ऑड है दे रखी है, जैसे यहाँ पे 3 दे रखा है, ऑड नंबर दे रखा है, तो फिर इसका फार्मूला होता है n n प्लस 2 2n प्लस 1 माइनस 1 और अपॉन में टोटल 8। तो ये फार्मूला लगाएंगे, अगर हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन इवन दे रखी है तो इवन के लिए n n प्लस 2 2n प्लस 1 अपॉन में 8, तो ये लगाएंगे। तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन हमको कैसे दे रखी है? ऑड दे रखे हैं, ऑड में, यानी ये वाला फार्मूला काम करेगा। देखते हैं ज़रा कितने ट्रायंगल बनते हैं। टोटल ट्रायंगल हम काउंट करते हैं इसमें, तो 3 3 प्लस 2 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस 1 और माइनस 1 अपॉन में 8। थ्री मल्टीप्लाई थ्री प्लस टू फाइव मल्टीप्लाई टू थ्री जै सिक्स और प्लस वन सेवन और माइनस वन अपॉन में 8। इन सब का मल्टीप्लाई करने के बाद माइनस वन करना है। 3 5 जै 15 7 जै 105 105 में माइनस वन करना है अपॉन 8, यानी 104 में 8 8 वन जा 8 2 8 3 जा, यानी यहाँ पे टोटल कितने ट्रायंगल बन रहे हैं? 13 ट्रायंगल आ रहे हैं। जो टोटल ट्रायंगल की संख्या है 13 है। इसी प्रकार ऐसा कोई भी फिगर आ जाए, जैसे मान लो एक और फिगर लेते हैं, अभी तो एक फिगर ले लिया था हॉरिजॉन्टल जिसमें ऑड नंबर थे, एक और फिगर लेते हैं जिसमें हॉरिजॉन्टल लाइनें इवन आती हों। ये फिगर है, इसको सीधा कर लेते हैं। इसमें हमें टोटल ट्रायंगल काउंट करने हैं, इसको भी सीधा बना दें। नए फिगर बनाते हैं, इसमें ये सेट नहीं हो रहा है। ये फिगर है, इसमें देखते हैं, ये फिगर है, इसमें देखते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी है। 1 2 3 4 अगर 4 हॉरिजॉन्टल लाइन है, वर्टिकल लाइन अभी भी 0 है, डायगोनल कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 डायगोनल है। तो टोटल स्ट्रेट लाइन कितनी हो जाएंगे? यहाँ पे स्ट्रेट लाइन हो जाएंगे टोटल 12। अब यहाँ पे ट्रायंगल काउंट करना है, टोटल ट्रायंगल कितने हैं?
बताया था अगर हॉरिजॉन्टल लाइन इवन हो तो फिर क्या करेंगे फार्मूला, एन एन प्लस टू टू एन प्लस वन अपॉन में एट, इसमें रखते हैं फोर फोर प्लस टू वन अपॉन एट, फोर फोर टू जा फोर प्लस टू सिक्स, टू फोर जा एट प्लस वन नाइन अपॉन एट, इसको ज़रा देखते हैं फोर वन जा फोर टू जा टू थ्री जा कितना आ जाए 27, यहाँ पर हमारा 27 ट्रायंगल बनेंगे। तो ये तुम्हारी ट्रायंगल की क्लास ख़त्म हो गई, इसमें टोटल ट्रायंगल कितने काउंट करते हैं, और इसके बाद इसमें आगे आते हैं सर्किल, सर्किल कैसे काउंट करते हैं। ट्रायंगल के इससे ज़्यादा कोई डायग्राम नहीं आएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा हमने फिगर बनवा दिए हैं जो तुम्हारे एग्ज़ाम में, इससे ज़्यादा तुम्हारे डायग्राम नहीं आने वाले हैं। चलो इस स्क्वायर के बारे में नहीं, सर्किल के बारे में पता करते हैं, सर्किल कैसे पता लगाएंगे। सर्किल बहुत आसान होते हैं, जैसे ये एक हमने डायग्राम ले लिया, इसमें तुम्हें सर्कल काउंट करने हैं, बहुत सारे सर्कल दिख रहे हैं, तो सबसे पहले हम बिग सर्कल देख लेते हैं, ये वन और ये टू और ये थ्री, यहाँ पर थ्री आ गए, वन टू और थ्री, वन टू और थ्री, तो इस तरह ये थ्री थ्री तुम्हारे जितने भी बिग ट्रायंगल हैं सब में थ्री थ्री आ गया। इसके बाद ये छोटे सर्कल और रह गए, इनको भी काउंट कर लेते हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, एक बार फिर से करते हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, नाइन तो ये छोटे सर्किल हो गए, और ये कितने थे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, थ्री मल्टीप्लाई सिक्स एट्टीन, नाइन प्लस एट्टीन यानी टोटल कितने सर्किल हैं 27। इस तरह सर्किल के तुम्हारे केस आएंगे ज़्यादातर। एक और डायग्राम देख लो सर्किल का, सर्किल ज़्यादा कठिन नहीं आते हैं, सर्किल तुम्हें ऐसे ही मिलेंगे, ना इनमें कोई ज़्यादा ट्रिक की ज़रूरत है, ये देखने से ही पता चल जाते हैं कि कितने सर्किल हैं। इस तरह भी सर्किल आ जाएंगे, तो देखने से यहाँ देखो बाहर, ये देखो यहाँ कोई सर्किल मिलने से कोई दूसरा सर्किल तो नहीं मिलना, बस इतना देखना है, नहीं तो ये बाहर से ही पता चल जाता है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, एट सर्किल बने हुए हैं यहाँ पर। ये तो सर्किल के हो गए, क्यूब और क्यूबॉइड रह गया, क्यूब और क्यूबॉइड का जरा देख लेना, क्यूब का डायग्राम देखते हैं किस किस तरह के क्यूब आ जाते हैं। इस तरह कोई फिगर आ जाए, इसमें तुम्हें क्यूब काउंट करने को कहा जाए। चलो इतने ही लेते हैं, पहले इसको देखते हैं, यहाँ क्यूब कितने दिख रहे हैं, एक तो ये वन ये दिख रहा है, टू इसके नीचे लगा हुआ है,
5 तो ये क्यूब लगे हैं, तो यहाँ टोटल हमें क्यूब नज़र आ रहे हैं 1 2 3 4 5, तो टोटल क्यूब कितने हैं 5। इसी तरह क्यूब और आते हैं, एक 3D डायग्राम सा बनाते हैं। इस तरह एक कोई फिगर बना है, इसमें क्यूब काउंट करने का आ जाए तो ये थोड़ा ध्यान से देखना, ये तुम्हारा पहला क्यूब हो जाएगा, इसके बाद ये दूसरा क्यूब हो जाएगा, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, 6 क्यूब तो हमें सामने दिख रहे हैं, ठीक है। लेकिन इनके नीचे भी, अगर इसके नीचे देखा जाए यहाँ पर, तो इसके नीचे भी एक क्यूब होगा और इसके नीचे दो ये होंगे, और ये हमारा जो है ये तीसरे नंबर पर रखा है, तो इसके नीचे भी दो क्यूब होंगे, तो 4 क्यूब हमारे हिडन है यहाँ पर, 10 क्यूब होंगे, क्यूब हमें इस तरह देखने को मिलेंगे। तो बस इसमें ये देखना है जो सामने फिगर है उसमें काउंट कर लेना है कि कितने क्यूब हैं, 1 2 3 4 5 6, और फिर ये देखना है क्योंकि ये किसी ना किसी क्यूब के ऊपर ही तो रखे होंगे, तो इसके नीचे लेयर देखना कि कितनी लेयर है। इसके नीचे एक लेयर है तो यानी एक क्यूब इसके नीचे होगा, इसके नीचे एक लेयर बनी है तो इसके नीचे एक क्यूब होगा, और ये सबसे ऊपर है, इसके नीचे कितने लेयर है 1 और 2, तो यानी इसके नीचे भी दो क्यूब होंगे। तो ये 4 क्यूब जो है हमारे हिडन में, इनको काउंट करना होता है। सामने वाले तो दिख जाते हैं ये, लेकिन हिडन वाले बस ये देखना है लेयर के हिसाब से। अगर इस लेयर के नीचे एक लेयर है तो एक एक क्यूब इसके नीचे रखा होगा, और इसके नीचे दो लेयर हैं तो यानी दो क्यूब इसके नीचे रखे होंगे। तो टोटल हमारे क्यूब कितने हो जाएंगे 10। तो हमने आपकी काउंटिंग ऑफ फिगर क्लास सारे टॉपिक पढ़ा दिए हैं इसमें। इसके जो क्यूब हैं और भी ऐसे ही डायग्राम आएंगे, सारे 3D डायग्राम हैं, और इनकी काफ़ी प्रैक्टिस करना। ये तुम्हारे NTPC में, साइको के टेस्ट में ज़्यादा आते हैं, और SSC में भी पूछ लेते हैं एक दो क्वेश्चन। तो काउंटिंग ऑफ फिगर्स हमने आपकी पूरी ख़त्म कर दी है। आपको ये क्लासें कैसे लगी हैं काउंटिंग ऑफ फिगर्स की, इसके बारे में फीडबैक दीजिए, ताकि हम आगे की भी और अच्छे से क्लासेस दे सकें।